अच्छा, लेट अस स्टार्ट वीबीटी। वीबीटी स्टार्ट करने से पहले डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड फाई बॉन्ड? साइड वाइज सिग्मा हमेशा बेटे स्ट्रॉन्ग, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लिसन टू मी केयरफुली, सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग? बिकॉज इट इज मेड ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से मतलब क्या है? बच्चों को ये नहीं समझ आता, रिजल्ट लेते हैं कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज मेड ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जब कोई चीज इंटर न्यूक्लियर न्यूक्लियस की एक्सिस पे बनेगा ना, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जल्दी पकड़ पाता है। ठीक है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जल्दी पकड़ पाता है। पाई बॉन्ड क्योंकि लेटरल बनता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर और नीचे होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं बनते, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा नहीं, तो इसकी बॉन्ड वीक हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जो पी वाई पाई बॉन्ड है वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनता है, हमेशा याद रखना। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनता है। ठीक है, अब वीबीटी या हम हाइब्रिडाइजेशन पे जाएं, वीबीटी ने हमें ये चीज समझाया था। मान लो मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ, ये 2s का ऑर्बिटल है, ये p के ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 2p के ऑर्बिटल है। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं नहीं समझा रही, नो वन विल आस्क यू। हाइब्रिडाइजेशन पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आपको ये निकालने आने चाहिए। तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट ले देखो बेटे, एस, ये देखो मैंने अभी 2s और 2p लिख दिया, ये बिलोंग तो सेम शेल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पर सब शेल डिफरेंस है इनकी, तो थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंस है इनकी, क्योंकि जो s है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, वो नियरर टू न्यूक्लियस होता है, p थोड़ा दूर चला गया। ठीक है, तो जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है उन ऑर्बिटल की, चाहे वो एम्प्टी क्यों ना हो, चाहे वो फुली फिल्ड क्यों ना हो, मतलब हाफ फिल्ड क्यों ना हो, या उनमें फिल्ड भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया में एक नाइट्रोजन फिल्ड पड़ा है, वो क्या करते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब मान लो मेरे पास रेड कलर है, मेरे पास वाइट कलर है, अगर मैं रेड और वाइट को मिक्स करूँगी तो मेरे पास सारा पिंक हो जाएगा। अब मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी कि ये वाला रेड था और ये वाला पिंक था, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया, अब सब पिंक बन गया। हाइब्रिडाइजेशन में यही होता है कि देखो ये स्फेरिकल शेप का था, ये डंबल शेप के थे ना, कैसे होती है इसकी शेप, ऐसे होती है इसकी गोल स्फेरिकल। ठीक है, पी की होती है डंबल, जैसे तीन होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई है, और एक पी जेड है। ऐसे बनाओ पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, समझ आ रही, तीन पी की ऑर्बिट। अब तीनों की तो डंबल है और एस की स्फेरिकल है, शेप डिफरेंट है ना। ये मानो कि ये रेड कलर का है और ये वाइट कलर का है, अब हमने सबको मिक्स कर दिया तो सब क्या बन जाएंगे, पिंक कलर बन जाएगा। मीन्स सबकी शेप भी एक जैसी हो जाएगी, सबकी एनर्जी भी एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, वीबीटी उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन उसमें ये बताता है कि जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं, जो स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटल के एनर्जी होते हैं, एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं, बिफोर गोइंग इनटू बॉन्डिंग दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, दे विल मिक्स इंटरमिक्स। व्हेन दे विल इंटरमिक्स, तो जितने इंटरमिक्स हुए, अगर मैं मान लो एक एस का तीन पी के मिक्स करूंगी, तो टोटल कितने मिक्स करे, मैंने फोर मिक्स करे ना, अगर मैंने चार एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो चार नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। मगर अब क्या होगा, उन चारों की एनर्जी भी सेम होगी, उन चारों की शेप भी सेम होगी। अगर मैं दो मिक्स करूंगी, जैसे एक एस का किया, एक पी का किया, तो इनकी क्या हो जाएगी बेटे,
दो ऑर्बिटल बनेंगे, दो ही बनेंगे तब, तो उनकी एनर्जी सेम होगी, शेप भी सेम होगी। जैसे अगर हम एस और पी के मिक्स करते हैं, अगर ये चारों मान लो मैंने मिक्स करें तो चार ऑर्बिटल मिलेंगे जिसमें एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा होगा, एक लार्ज लोब होगा, एक स्मॉल लोब होगा, एक लार्ज लोब होगा, एक स्मॉल होगा, एक लार्ज लोब होगा, एक स्मॉल होगा, ऐसे बनेंगे। समझ आ रही है? ये जो लार्ज लोब होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये स्मॉल वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये लार्ज लोब जो है वो बॉन्डिंग में, अगर मान लो इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो आप इसके लार्ज लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। ठीक है, समझे? एक एस का मिक्स किया तीन पी के, तो टोटल कितने बने? मैं तुझे क्या बोला अभी कि वो रेड कलर है, ये वाइट है, जब चारों को मिक्स करोगे तो पिंक कलर ही आएगा, सब भी एक जैसे ही बन जाएंगे। समझ आ रही है? तब ना कोई स्फेरिकल, ये डंबल नहीं रह गया। अब एक का लोब बड़ा है एक छोटा है, डंबल थोड़ी ना होता है, डंबल तो दोनों एक जैसे होते हैं, ये है कि नहीं? हाँ, ठीक है, समझ आ गई? इतनी बात पहले समझो। ठीक है, डिपेंडिंग कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करें वो हाइब्रिड, जैसे इस केस में कितने, एक एस का मैंने दिखाया है, तीन पी के दिखाए ना, तो टोटल कितने हो गए? फोर। तो इसे कहते हैं एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ रही है? इसमें होता ही नहीं, ये सेम एनर्जी के हो गए, ये री एनर्जाइज कर ली उन्होंने एनर्जी, उनमें डिफरेंस था मगर कम था, क्योंकि सेम शेल को बिलोंग कर रहे थे मगर उनकी सब शेल डिफरेंट थी। समझ आ गई है? जब मिक्स, मैंने कितनी बड़ी एग्जांपल दी है, रेड एंड वाइट कलर, एक रेड था एक वाइट था, पर मिक्स किया तो सब एक जैसे हो गए, किसी को आप अलग नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी सबकी, कोई अब स्फेरिकल नहीं रह गया, कोई अब डंबल नहीं रह गया। इतनी बात समझ आई अभी पहले? अब कितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। हो सकता है कि एक एस का और एक पी का मिक्स करें तो हम कहेंगे एस पी हाइब्रिडाइज्ड, अगर एक एस का दो पी के मिक्स करें तो ये एस पी टू हो जाएगी, अगर वन एस एंड थ्री पी देन एस पी थ्री, 1s 3p 1d sp 3d, 1s 3p d do sp 3d 2, getting my point? तो hybridization से हम shape बताते हैं, जैसे sp linear, sp 2 triangular planar, sp 3 tetrahedral। Let us see, देखो वन शेप इज मिसिंग, जितनी है उतनी तो करो पहले, लिसन टू मी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल बेटे साइड पे समझो, ये है बी ई एफ टू, जो फर्स्ट वाली है वो नहीं है यहाँ पे, वो समझा दूं मैं पहले आपको। ठीक, देखो बोरो बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? थ्री है, है ना? है ना? शेल में बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने ना देखो, ये प्लस वन के बच्चे हैं, टू होते हैं, टू एस टू होती है। ये थ्योरी के हिसाब से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में कितने पड़े हैं जी? ये 2s2 हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर इनको नीड हो तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी करवा देते हैं, अपना ऑर्बिटल छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं अपने आप को अनपेयर्ड करने के लिए। देखो अनपेयर्ड भी वही करवाएगा जो आने वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब फ्लोरीन आ रहा है मान लो, तो इसने क्या किया, ये एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया जी बेटे? पी में।
पी टू पी वन हो गया, अगर एक एस का नेक्स्ट पी में चला जाएगा तो टू पी वन हो जाएगा। अब ये दोनों सिंगली हैं, ये इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल, इसकी क्या है, डम्बल। अब ये दोनों मिक्स होंगे तो दो न्यू ऑर्बिटल देंगे, क्या देंगे, टू न्यू ऑर्बिटल। तो एक ये वाला ऑर्बिटल है और एक हमारा ये वाला ऑर्बिटल है। ये जो बाहर वाला ऑर्बिटल है, जो बड़े वाला, मैंने क्या बोला था, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाला जो छोटे वाला वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में क्या है, ए वन वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बी ई कौन हाइब्रिडाइजेशन किया, एस पी। और नेक्स्ट पोस्टुलेट थ्योरी का ये है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं वो इतनी दूर बनने की कोशिश करते हैं कि उसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो, ठीक है, उनका बॉन्ड एंगल जितना मैक्सिमम हो सके। जैसे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ने भी कहा, तो ये क्या है, लीनियर हो गया, लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अब फ्लोरीन आया, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं, वन अनपेयर्ड है। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल ऑर्बिटल जाता है, जो आसपास लगे हैं वो नहीं जाएंगे, समझ आ रही है। और ये ध्यान रखो कि अगर पी है ना, पी अगर पी है तो सिग्मा बॉन्ड 2PZD बनाता है। यहाँ पे F में F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2, 2p5। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, ये 2pz में पड़ा है, क्योंकि 2pz ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है। अगर तीनों पी में से कोई पी अगर सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो जेड ही बनाता है। तो इसका जेड आएगा, जेड में अकेला एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो एक एफ का ऑर्बिटल ये रहा और एक एफ का ऑर्बिटल ये रहा। हाँ, तो इन दोनों ने इस बी के साथ बना दिया, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने बोला एस पी है, और इसकी शेप क्या है, लीनियर है, और इसका एंगल 180 डिग्री है, समझ आ गई। कोई भी मॉलिक्यूल जो एस पी हाइब्रिडाइज जाएगा उसकी शेप लीनियर ही होगी, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे BeCl2 तो लीनियर, समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। MgCl2 तो लीनियर, वो तो आयनिक हो गया, ठीक है, चलो छोड़ो, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। अब नेक्स्ट है AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब क्या है, सेंट्रल A है और उसके पास दो लगे हुए हैं, सेंट्रल के पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एल्युमिनियम क्लोराइड ली हुई है, देखो एल्युमिनियम क्लोराइड हम लेते हैं, और कोई जैसे BCl3, BCl3। अब बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बोला करो, 3। तो ये क्या होता है, 2s2 2p1 होता है, बोरोन इज 2s2 2p1 और नॉट, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आके यहां पे एक्साइट हो जाएगा, अब हमारे पास 1s का ऑर्बिटल है, 2p की ऑर्बिटल है, ये तीनों इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp2, और तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे जो अपने आप को ओरिएंट करेंगे ऐसे कि इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री हो, समझ आ रही है।
तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इनका ऐसे ओरिएंट हुआ कि हमें देखने को लगा कि ये ट्राइगनल प्लेनर शेप आ रही है। क्या शेप आ रही है? और इन सब में क्या है, वन वन इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का 2PZ आएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा एंड टू एंड। समझ आ गई? तो ज्योमेट्री कौन सी आई, देखो ट्राइगनल प्लेनर। तो 13th ग्रुप वाले एलिमेंट, बेसिकली 13th ग्रुप वाले एलिमेंट वो क्या बना रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है 2s2 2p1। तो कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे? ट्राइगनल प्लेनर। समझ आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट आ जाओ इसी में ही, इसी को ही लेती हूं मैं। अब यहां पे AB2 लोन पे साथ में ले लिया, ये तो AB3 में लेना था। यहां पे बेटे AB3 टाइप है मॉलिक्यूल ये वाला, ये AB2 टाइप नहीं है, AB2 टाइप वाला पहले था। समझ आ रही है? ये हमने AB3 टाइप पढ़ा है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये A है और ये 3 B लगे हुए हैं। जो पहले वाला किया लीनियर वो AB2 टाइप था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, अब ये देखो, अब इन्होंने क्या लिखा हुआ इसमें, मींस कोई भी जिसकी भी मॉलिक्यूल AB3 टाइप होगा, ठीक है, AB3 टाइप होगा, जो sp2 हाइब्रिडाइज जाएगा, क्या जाएगा? sp2, उसकी शेप होगी ट्राइगनल प्लेनर। ठीक, अब नेक्स्ट है, हम इन्होंने लिखा है ab2 विद लोन पेयर, ab2 विद लोन पेयर। एग्जाम्पल ले रखिए सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर छोड़ो मैंने ऑक्सीजन ही डाल दो वैलेंस शेल से, कितने ऑक्सीजन की वैलेंस है? 6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर पड़ा है, वो भी 6 ही है। अगर ऑक्सीजन क्या है 2s2 2p4 है, तो सल्फर क्या है 3s2 3p4। तो ये सल्फर है 3s2 3p4, है कि नहीं है? उन सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ही होता है, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O विद लोन पेयर। तो मुझे ये समझाना पड़ेगा ना आपको, मैं तभी सोच रही थी कि अब बोलूं कैसे। सुनो ध्यान से बेटे, लिख तो दिया बोर्ड में, मेरी एनर्जी लगनी है। 3s2 3p4। सल्फर में ना एक्चुअली एक खासियत है बेटे, इसके पास 3db है, ऑक्सीजन के पास 3d नहीं होता है ना, इसके पास 3db है। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे भी जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं एक्साइट करके यहाँ भेज दे रही हूँ, तो एक डी में चला गया, बाकी ये खाली पड़े हैं डी के जो भी है, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमने तो बात की sp2 की, चाहे हमारे पास एक 3p के नजर आ रहे हैं, एक s का और एक d के, पर हमने हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बात करी है sp2, तो ये अंडरगो करेगी बेटे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये 2p के जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं, ये 2p के जो हैं अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं। मैंने गलती कर ली मुझे लग रहा है, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं, ठीक है। समझे? कोशिश करो आप, कोशिश करो, ठीक है। sp2, अब जो हाइब्रिडाइज्ड गए उसमें से देखो यहाँ पे क्या है, पेयर्ड पड़े, तो ये सल्फर के ऊपर लग गया लोन पेयर। हम्म,
बेटे जब हाइब्रिडाइजेशन जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के अगले ऑर्बिटल में एक्साइट हो सकता है, इवन आप ऐसे मॉलिक्यूल करोगे जिसमें एस भी एक्साइट करोगे तो बोलोगे एस एफ सिक्स, थोड़ा थोड़ा सा। फिर मैंने ना सिर्फ आपको ट्रिक बतानी है कि ऐसे इसी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बेटे डिटेलिंग में अब नहीं जा सकते हम कि ये कैसे बॉन्ड बने क्यों बने, वो रूटीन की क्लासेस में हो चुका है काम जो आपने अच्छे से सुनी नहीं है। तो अभी आप ये बस समझो, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कोई भी मॉलिक्यूलर एग्जाम में आगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री कैसे निकाली जाती है, दैट्स इट। तो बेटे ये भी सीखना जरूरी होता है। ये 3s2 है, ये लोन पेयर रह गए, उसमें दो पी के हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं ना, ये दो पी के हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये वाला मानो और ये वाला मानो, जो ये पी के हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं ये कौन सा बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए ना, अनहाइब्रिडाइज्ड दो रह गए ना, ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। वो कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन आए ना, हर एक ऑक्सीजन ये क्या होती है 2s2 2p4, ऐसी दूसरी ऑक्सीजन होगी 2s2, अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ 2p4, ठीक है। इस ऑक्सीजन का ये जो अनपेयर्ड पड़ा है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ये अनपेयर्ड पड़ा है, इसने हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ऑर्बिटल के साथ पेयरिंग करी है। एक इलेक्ट्रॉन ने अनहाइब्रिडाइज के साथ पेयरिंग करी है, एक हाइब्रिडाइज के साथ करेगा और एक अनहाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइज के साथ करेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जो अनहाइब्रिडाइज के साथ करेगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हाइब्रिडाइज वाले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, जो मिक्स होके नए ऑर्बिटल देते हैं, तो इन तीनों ने मिक्स होके नए ऑर्बिटल दिए, जिसमें से एक में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे पड़े हैं और एक में अनपेयर्ड पड़े हैं, तो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर बना सकते हैं। अब इस ऑक्सीजन का भी देखो, इसमें दो ऐसे पड़े ना, टू इलेक्ट्रॉन, तो एक तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, हाँ ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ करेगा, हाँ तभी एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, समझ आ रही है। गया तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मगर अब क्या हो गया, इसमें दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। लोन पेयर कभी ज्योमेट्री नहीं बताता, लोन पेयर कभी ज्योमेट्री नहीं बताता। हमने s को यहां से पकड़ा, ये पकड़ लिया मैंने s है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, वी नहीं बन रहा, समझ आ रही है। अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर होता एक, तो यदि ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री बन गई वी शेप, एंगल्स का लोन पेयर कम हो जाएगा 120 से, तो बहुत ही कम हो जाएगा, एक्यूट हो जाना है का, 78 के करीब हो जाना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये याद करो आप, CH4 याद है आपको, CH4 मिथेन क्लास 10th, अच्छा टेट्राहेड्रल बेटे,
हाँ तो कार्बन की अपने हम निकालो, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने राइट डाउन, राइट डाउन किस ऑर्बिटल में कितने और किस ऑर्बिटल में कितने, हरी अप तो हाँ पहले निकालो कार्बन की वैलेंस शेल में कितने हैं, फोर, टू किस में पड़े हैं, एस में, वही तो आपने खुद लिखनी है, यही तो मैं बेटे पहले ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कार्बन की, चल लिख अभी ना इसके ना ऐसे ऐसे दिखा जैसे मैंने दिखाए, 2s2 फुली फिट दिखाओ, 2p2 में एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, डालोगे हाँ पहले तीन खाने बना दो, हाँ अब इसका एक एक साइड कर दो आगे, हाँ एस को एक साइड करके पी में भेज दो, एस का एक इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसको, एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और पी में भेज दो, अब एस में भी एक है और पी में भी एक 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 हो जाएगा, हाँ पी जेड में चला जाएगा, जाओ भेज दो, तूने इलेक्ट्रॉन भेजा नहीं है एस से पी में, तूने एस में ही दो दिखा दिए, एस में दो क्यों दिखाए हैं फिर, तो अगर एक एस का और तीन पी के मिक्स हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3, ठीक है। अब इसके पास चार हाइड्रोजन आके लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, और एससी को कहते हैं टेट्राहाइड्रल, क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल इज 109.28 और 5 डिग्री जो भी है, ठीक है समझ आ गई। अब बनाओ अमोनिया, चलो नाइट्रोजन करो, हरी अब हाँ सारी sp3 है। अब चलो अपने आप बनाओ NH3 लिखो पहले, NH3 चलो ड्रिलिंग करवाते हैं आपकी, NH3 लिखा NH3, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लिखना इलेक्ट्रॉन तो मुझे भी पता है, 3 टू भी 3 होती है, 2s2 टू भी 3, चलो इसके शेल्स बनाओ अब ऐसे सर्कल लगा के जैसे ये बने हुए हैं, तो नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, यही होता है कि नहीं होता, क्या नाइट्रोजन के पास 2d है, क्या नाइट्रोजन, क्या आपने 2d कभी ऑर्बिटल सुना है, 2d कभी सुने, नहीं होता, 2d होता ही नहीं, जब 2d होता ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं कर सकता, ये जहां है वहां ही रह जाएगा, पर ये हाइब्रिडाइजेशन जा सकता है, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3, मगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ, तो अगर ये पेयर की फॉर्म में पड़े रहे तो ये क्या है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये जो बाकी के बचे हैं ये बॉन्ड पेयर बनाएंगे, दिस इज नॉट नाउ टेट्राहाइड्रल, देखो अगर चारों बॉन्ड पेयर थे, चारों क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, जैसे मिथेन की बात थी, आप एस भी थे और तीन पी sp3, तभी भी हाइब्रिडाइजेशन थी मिथेन में, ठीक है नहीं थी, तब चारों बॉन्ड पेयर थे, अब नाइट्रोजन में एक रह गया लोन पेयर, क्योंकि हम एक्साइड तो कर नहीं पाए इसको, पर गया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, गया कि नहीं गया, ठीक है, तो अब ये लोन पेयर है बेटे जी, अब बाकी क्या बन जाएंगे, तीन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा, यहाँ पे भी, अब इस शेप को कहते हैं पिरामिडल, कैसे, लोन पेयर शेप नहीं डिफाइन करता, लोन पेयर शेप नहीं डिफाइन करता, नाइट्रोजन को पकड़ो यहां से, पकड़ ली, अब एक हाइड्रोजन यहां लगे, एक हाइड्रोजन यहां लगे,
और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा तो ये पिरामिड नहीं बन गया,